हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, मैं आनंद मिश्रा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बायो का वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी गर्भ निरोधक उपकरण। क्या? गर्भ निरोधक उपकरण। तो ध्यान रखना है, ये हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचाते हैं, यानी अनिच्छा वाले प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण से हमें बचाते हैं, जिस गर्भधारण की हमें इच्छा नहीं होती है। ये मनुष्य के जनन को रोकने के लिए जरूरी होता है। पहला वाला आता है, देर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स। पहला आता है बैरियर मेथड। इन दिस मेथड सर्टेन बैरियर्स आर यूज्ड विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। यानी इस मेथड में जो बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड में स्पर्म्स को ओवम से नहीं मिलने देता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। सम ऑफ द बैरियर्स मेथड्स आर कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल एक्सेट्रा। कॉन्डोम्स क्या होते हैं? कॉन्डोम्स आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेड अप ऑफ इलास्टिक रबर। देर आर यूज बाय मेल्स। डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स आर यूज बाय फीमेल्स। दूसरा है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स इंक्लूड द यूज ऑफ ड्रग्स। इसमें इंक्लूड द यूज ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स यानी दवाइयाँ। इसमें कुछ अलग प्रकार की दवाइयों का यूज करा जाता है। क्या करा? दवाइयाँ, दवाइयों का यूज करा जाता है, विशेष ध्यान रखना है। यूज्ड बाय द फीमेल्स, फीमेल्स यूज करती हैं। दीज मेथड इंक्लूड्स ओरल पिल्स, यानी खाने वाली गोलियाँ, और वेजाइनल पिल्स यानी वेजाइना में रखने वाली गोलियाँ होती हैं। ओरल पिल्स कंटेन्स सर्टेन हॉर्मोन्स विच प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। ओरल पिल्स में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो ओव्यूलेशन यानी अंडाणु के उत्सर्जन को रोक देते हैं, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। द ओरल पिल्स आर ऑल्सो रिफर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। द वजाइनल पिल्स आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना वेयर दे किल बी स्पर्म्स। यानी वजाइना में रखने वाले जो पिल्स होते हैं, वो वजाइना में ही क्या कर देते हैं, स्पर्म्स को मार देते हैं। फिर तीसरा वाला आता है सर्जिकल मेथड्स। दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सर्जिकल मेथड जो होते हैं, तीसरा वाला मेथड जो होता है सर्जिकल मेथड, यानी विधियाँ, ये विधियाँ जो होती हैं, ये विधियाँ जो करती हैं मेल्स और फीमेल्स को, दोनों के लिए होती हैं। मेल्स स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस, यानी जो नस होती है वास डिफरेंस इज सर्जिकली रिमूव्ड ऑफ एंड कट्स एंड आर टाइड प्रॉपरली। और जो सर्जिकली रिमूव्ड यानी सर्जिकल से ऑपरेशन के दौरान, छोटे से ऑपरेशन के दौरान उसे वहाँ से रिमूव कर देते हैं वास डिफरेंस से, और उसे कट करके बांध देते हैं टाइड प्रॉपरली। दिस मेजर्स आर नोन एज वेस्टोमी। क्या बोलते हैं इसे? वेस्टोमी। एंड इट प्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन। और ये क्या करता है? एंड इट प्रिवेंट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, यानी सीमेन में स्पर्म्स को नहीं आने देता है। इन फीमेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज सर्जिकली रिमूव्ड ऑफ। इस वाले केस में क्या होता है, यदि फीमेल्स में बात करें तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स की, वहाँ से उसको हल्का सा सर्जिकली रिमूव ऑफ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी एंड दिस प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंटरिंग द फैलोपियन ट्यूब्स। इसलिए इससे अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाता है। इसमें दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD और एक कॉपर टी लूप्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। ह्यूमन पॉपुलेशन राइजिंग विद एन एक्सप्लोजिव रेट। हम जानते हैं कि मानव जनसंख्या लगातार तेजी से विस्फोटक तरीके से बढ़ती जा रही है, रिजल्टिंग इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि ड्रामेटिक तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग पैदा होते जा रहे हैं। द कंडीशन इज मोर सेवियर इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। ऐसी कंडीशन इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1961 वॉज 43.9 करोड़। यानी 1961 में जो जनता थी, जो देश की, वो 43.9 करोड़ थी, बट इट हैज़ नाउ बिकम 100 करोड़। लेकिन जहाँ आपने देखा होगा कि 2015 के आसपास ये 100 करोड़ से भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। दीज फिगर्स आर एंड सजेस्टेड टू टेक
एंड टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन साइज। ये फिगर हमारी बॉडी हमारे बॉडी के लिए भी और हमारे देश के लिए भी अच्छे नहीं है और हमें पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला वाला है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। मेजर मतलब कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण को कैसे ला सकते हैं या जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं। तो पहला वाला है एजुकेटिंग पीपल, लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज, यानी एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज यानी स्मॉल फैमिली का एडवांटेज लाना चाहिए। यदि बच्चा एक या दो होगा तो उन पर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फ्री में बांटना चाहिए, जैसे कॉन्डोम है, IUCD है, कॉपर टी है। रेजिंग द एज ऑफ मैरिजेस, मैरिजेस की उम्र बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना, यानी शादी जो 21 साल और 18 साल होती है उसको बढ़ा देना चाहिए। जनरेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू फैमिलीज ऑब्जर्विंग फैमिली प्लानिंग, और ऐसे फैमिली जो वाकई में फैमिली प्लानिंग करती है, जो वाकई में परिवार नियोजन करती है परिवार नियोजन करती है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करी जानी चाहिए, परिवार नियोजन करती है। और इम्पोसिंग लीगल रेस्ट्रिक्शंस टू कंट्रोल द फैमिली साइज, और इसके लिए अध्यादेश या कानून आना चाहिए, अध्यादेश यानी कानून आना चाहिए जिससे कि लोग छोटी फैमिली करें, ज़्यादा बड़ी फैमिली ना करें, जिससे कि हमारा मीजर टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप कमेंट करें, और ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बायो के से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।